हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय यानी मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के अंतर्गत हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की मिट्टियों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश सामान्य परिचय की, पुणेकर पब्लिकेशन की जो बुक है ना, जो वन डे एग्जामों में काफ़ी काम आती है। इसके साथ एक निशुल्क एटलस फ्री आता है। ये सारा एटलस हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ा के रख चुके हैं। देखिए, विषय सूची दी रखी है दोस्तों, विषय सूची दी रखी है। आज हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 मध्य प्रदेश की मिट्टियों को डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले हमने 8 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हम सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में मृदा या मध्य प्रदेश की मिट्टियों को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी करके हम ये पूरी बुक को पढ़ा देंगे और कमेंट भी किया करें। तो आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की मिट्टियां डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, मृदा है ना, मिट्टी ही सॉइल है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि धरातल की ऊपरी परत, जो धरातल है हमारा जहां पर हम निवास करते हैं, धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगाने व बढ़ाने के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों के उगाने व बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, उसे मृदा कहलाती है, उसे मृदा कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे मृदा की डेफिनेशन बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ सॉइल बताया गया है। तो क्या बताया गया है? धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगाने व बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जो पेड़ पौधों के उगाने व बढ़ने के लिए आवश्यक है, क्योंकि बढ़ेंगे कब? जब तत्वों को प्रदान करती है, जो तत्व मिलेंगे उनको, तो उसे ही मृदा कहा गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि मृदा की परिभाषा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे की चट्टान के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फल स्वरूप होता है। इससे अधिकांश वनस्पतियां और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं। इसके ऊपर ही जो है अधिकांश वनस्पतियां और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो ये डेफिनेशन थी जो एक आपको पता रहनी चाहिए, जो मैंने आपको बोल के बताया। तो ये पहले फैक्ट में तो डेफिनेशन बताया गया है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, मिट्टी चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। कभी पूछा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से होता है दोस्तों। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। टूटने की प्रक्रिया वर्षा के द्वारा हो सकती है, बर्फ, हवा, ग्लेशियर तथा बहते पानी के कारण नियंत्रण चलती रहती है। वर्षा के जल के कारण निरंतर चलती रहती है। रासायनिक कारण नमी और वायु रासायनिक कारण है इसके। इसके रासायनिक कारण बोले तो नमी और वायु रासायनिक कारण है। विभिन्न रासायनिक यौगिक पानी में घुलकर रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे चट्टान मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको पता रहना चाहिए ये, है ना, पता रहना चाहिए। तो कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से होता है, ये ऑप्शन रहेगा, तो इसको लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मंडला जिला हो गया, बालाघाट जिला, शहडोल, उमरिया में लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है बालाघाट जिले में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, याद रखना है ना, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इन जिलों में, मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी डक्कन ट्रेप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टान के ऋतु अपेक्षय के द्वारा निर्मित हुई है। ऋतु अपेक्षय के द्वारा निर्मित हुई है। तो डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं।
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है और मालवा के पठार जो है उसका निर्माण डक्कन ट्रेप तथा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टाने के चट्टानों से हुआ है और चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित है कौन सी काली मिट्टी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों काली मिट्टी में जल धारण क्षमता ज्यादा होती है कम होती है। ज्यादा होती है, याद रखना है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी है ना। सर्वाधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है और मालवा का पठार सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी का है। तो देखिए काली मिट्टी भी तीन प्रकार की होती है ना, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछरी काली मिट्टी। जिसमें सबसे ज्यादा देखा गया है तो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी का है। काली मिट्टी के काले रंग के कारण लोहे की अधिकता के कारण है। काली मिट्टी में काले रंग का कारण क्या है पूछा जा सकता है, तो काली मिट्टी में काले रंग का कारण लोहे की अधिकता के कारण है, याद रखना है, लोहे की अधिकता के कारण है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति, जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो मध्य भारत के पठार में ज़्यादातर पाई जाती है, वो उदासीन होती है, वो गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। तो वो काय के लिए उपयुक्त है, तो वो गन्ने के लिए उपयुक्त है, सरसों के लिए उपयुक्त है, ज्वार के लिए उपयुक्त है, बाजरा के लिए उपयुक्त है, गेहूँ के लिए, तिलहन फसलें जो हैं है ना उनके लिए उपयुक्त होती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट फेक देखिए, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पांच प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पांच प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पांच कौन सी है, तो काली मिट्टी हो गया, लाल पीली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, कचारी मिट्टी। तो ऐसा करके देखा जाए तो पांच प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कभी क्वेश्चन पूछा कितने प्रकार की, तो पांच प्रकार की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, परतों के रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो परतों के रूप में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों परतों के रूप में जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत के पठार में नदियों के किनारे पाई जाती है, जैसे चंबल हो गया है ना, और यमुना के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उनसे ही उसका निर्माण हुआ है उस मिट्टी का, परतों के रूप में है ना, बहाकर लाई गई है और परत जम गई है और परतों के रूप में उसका निर्माण हुआ है। तो ये सामने के फैक्ट समझ में आए के दोस्तों आप लोगों को। अब हम बारी बारी से एक एक करके पूरी मिट्टी को डिस्कस कर लेते हैं और आपको मैं मैप के थ्रू भी बता दूंगा किधर साइड कौन सी मिट्टी है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रेगुर मिट्टी किसका अन्य नाम है, तो काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी, इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी देखिए काली मिट्टी, इसके मुख्य रूप से लोहे तथा चूना होता है। दोस्तों काली मिट्टी में मुख्य रूप से लोहा तथा चूना होता है, याद रखना है। फॉस्फेट जैव पदार्थ एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉस्फेट और जैव पदार्थ एवं नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से होता है। लावा के जमने से होता है। तो आपने देखे होंगे मालवा के पठार का निर्माण ज़्यादातर ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, लावा के जमने से हुआ है, और वहीं पे काली मिट्टी सर्वाधिक है। कहाँ, मालवा के पठार में। समझ में आ गया, मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। यह क्षारीय प्रकृति की है दोस्तों, यह क्षारीय प्रकृति की है। इसका जो पीएच मान है वो 7.5 से 8.6 तक होता है। और आप जानते हैं 7 के ऊपर वाले को क्षारीय प्रकृति की कहते हैं, उसके पहले वाली 0 से लेकर 7 तक के अम्ली होती है। तो ये कैसी हो गई, ये क्षारीय प्रकृति की है। क्वेश्चन आ सकता है काली मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की। यह कपास के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है,
कपास के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। गेहूं एवं सोयाबीन के लिए भी अच्छा है, इसीलिए तो आप जानते होंगे सर्वाधिक गेहूं होता है कहाँ, मालवा के पठार में, और मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार को गेहूं की डालियां या गेहूं का कटोरा या गेहूं का भंडार बोलते हैं, है ना। सोयाबीन भी सर्वाधिक मालवा के पठार में होता है, और सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान है। यह मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्र में यानी 47% भाग पर तो काली मिट्टी पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में। जो मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी क्षेत्र और सोन घाटी क्षेत्र और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती है, तो इतने बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन अगर आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है बताना है हमको। सर्वाधिक क्षेत्र में 47% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी भी तीन प्रकार की होती है दोस्तों, समझ लो इस बात को। काली मिट्टी जो है ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है गहरी काली मिट्टी, और दूसरी है साधारण काली मिट्टी, और तीसरी है छिछली काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, समझ लो इस बात को, तीन प्रकार की होती है। पता रहना चाहिए कहाँ कौन सी होती है और कितने परसेंट क्या है, देखो अभी पढ़ के बताता हूँ मैं। तो गहरी काली मिट्टी जो है ये नर्मदा सोन घाटी के अधिकांश तथा मालवा के कुछ क्षेत्र और सतपुड़ा के कुछ भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी के कुछ क्षेत्र का लगभग 3.5% है दोस्तों, 3.5% क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी जो है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र जो अपना खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी वाला जो निमाड़ क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। इसी कारण यहाँ को इनको सुनहरे जिले कहते हैं। यहाँ पे गेहूं क्या बोलते हैं, कपास एक नंबर होता है ना, सर्वाधिक कपास इधर काली मिट्टी में होता है, गहरी काली मिट्टी में। और जो निमाड़ क्षेत्र है खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला, इधर साइड होता है जबरदस्त कपास, है ना। और मालवा के कुछ क्षेत्र में भी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, और सतपुड़ा का कुछ क्षेत्र जो है ना, बैतुल तरफ उधर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, यहाँ पे समझ लो क्या नाम है, खंडवा कारगोन वाला ही एरिया जो है, यहीं पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जबरदस्त तरीके वाली, है ना। जो कपास एक नंबर होता है, गांजा कपास, है ना। देखिए साधारण काली मिट्टी, मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है दोस्तों। साधारण काली मिट्टी जो है वो मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है, इसका मतलब मालवा के पठार में सर्वाधिक साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र का लगभग 37% भाग, लगभग 37% भाग में पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के लगभग 400 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र पर फैली हुई है। लगभग 400 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र पर फैली हुई है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती। ये जो मिट्टी होती है साधारण काली मिट्टी, इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती। अगला है छिछली काली मिट्टी। जो छिछली काली मिट्टी है इस क्षेत्र में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी वाला भाग आता है। बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी वाला जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला भाग आता है, यहाँ मिट्टी मध्य प्रदेश के 7.1% पर पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का 57 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत 57 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र आता है। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन आएगा तो अब, है ना। तो देखो काली मिट्टी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में, क्षेत्रफल में या क्षेत्र में पाई जाती है, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, है ना। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखो मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी है दोस्तों, कर्नाटक में भी काली मिट्टी है, और गुजरात में भी काली मिट्टी है। ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पे काली मिट्टी ज्यादा है। कभी पूछा सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में है ना। हाँ ये समझ में आ गया। काली मिट्टी तीन प्रकार की होती है, मैंने बता दिया था, साधारण काली मिट्टी जो मालवा के पठार क्षेत्र में पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी जो नर्मदा घाटी क्षेत्र खंडवा खरगोन वाला जो एरिया है और मालवा का कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, और छिछली काली मिट्टी ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी बैतूल छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र सिवनी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी में काले रंग का कारण पूछा जा सकता है, काली मिट्टी में काले रंग का कारण क्या है। अगर आपको आता है काली मिट्टी में काले रंग का कारण क्या है, अगर ये ऑप्शन मिलता है लोहे की अधिकता, है ना, लोहे की अधिकता, तो इसको सही टिक करना है।
अब अगर लोहे की अधिकता ऑप्शन ना मिले, अगर आपको मिलता है कार्बन, तो काय के कारण है, तो कार्बन के कारण, कार्बन से है या कार्बन के कारण, तो ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया, लोहे की अधिकता लोहा से ही कार्बन है ना, तो कार्बन ऑप्शन रहेगा तो वो हो जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन नहीं रहता, अगर याला ऑप्शन रहता है, तो काली मिट्टी में काले रंग का कारण टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी में काले रंग का कारण होता है। दोस्तों काली मिट्टी में क्या क्या फसल होती है अपने को पता होना, देखो कपास होता है, जो गहरी काली मिट्टी होती है उसमें कपास एक नंबर होता है। साधारण काली मिट्टी में गेहूं भी अच्छा होता है, इसलिए मालवा के पठार में, तो कपास, गेहूं, सोयाबीन काली मिट्टी में होता है ना। मूंगफली खाए होंगे आपने, तो मूंगफली भी होता है ना, याद रखना, इतना याद रखे। काली मिट्टी से अब क्वेश्चन आएगा तो मैं मैप बताऊंगा, वहां दिखाऊंगा। ये कौन सी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। इसका जो पीएच मान है ये 7.5 से 8.6 के मध्य होता है, लेना बुक के अनुसार, लेकिन आप विकिपीडिया सर्च करेंगे दोस्तों तो विकिपीडिया में कुछ अलग ही लिखा हुआ है, 6.3 से 6.4 लिखा है, लेकिन ज्यादातर बुक में मैंने देखा, ज्यादातर बुक में क्या है, 7.5 से लेके 8.6 है, तो यही वाला अपने को याद रखना है, 7.5 से 8.6 यानी क्षारीय होती है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लाल पीली मिट्टी की, तो लाल पीली मिट्टी को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीले रंग होता है, क्वेश्चन आ सकता है पीली मिट्टी पीला रंग किस कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड को ही आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है ना। तो फेरिक ऑक्साइड के जल अपर्दन से पीले रंग होता है तथा लाल रंग लोहे की ऑक्सीकरण से बनता है, लोहे के ऑक्सीकरण से बनता है। अगर आपको मिलता है लाल रंग का कारण क्या है, तो लोहे का ऑक्सीकरण, अगर लोहे का ऑक्सीकरण ऑप्शन नहीं देता तो ये ऑप्शन देगा, तो इसको लगाना है लौह यौगिक। अगर लौह यौगिक भी ऑप्शन नहीं देता तो ये देगा फिर लौह ऑक्साइड के कारण है ना। समझ आ गया, लौह ऑक्साइड कारण सबका मतलब वही है ना। अगर ये ऑप्शन भी नहीं देता तो फिर आयरन ऑक्साइड देगा है ना, आयरन ऑक्साइड, तो उसी का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, अगर आयरन ऑक्साइड ऑप्शन नहीं देगा तो आयरन ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, Fe2O3 है ना, ये ऑप्शन याद रखना है। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण पूछा जा सकता है। अब देखो अगला फैक्ट, इसे चूने की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है, इसकी प्रकृति 5.5 से 8.5 पीएच मान होता है इसका है ना, 8.5 से लेके है ना 5.5 से 8.5 के मान होता है। यहाँ एक अम्ली से क्षारी प्रकृति की होती है, यहाँ अम्ली होती पहले फिर क्षारी होते जाती है, तो अम्ली से क्षारी प्रकृति की होती है जो चावल के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन आ सकता है लाल पीली मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त क्यों होती है, ये बघेलखंड और बुंदेलखंड के पठार और रीवा पन्हर के पठार में पाई जाती है, ज्यादातर ये बघेलखंड के पठार में पाई जाती है दोस्तों है ना, यानी मिट्टी जो है बघेलखंड के पठार में पाई जाती है, इसीलिए वहां चावल की खेती ज्यादा होती है, चावल है ना, चावल की खेती बघेलखंड और सतपुड़ा का बालाहाट वाला जो क्षेत्र है इधर साइड मिलती है, तो वहां चावल की खेती एक नंबर होती है। आगे समझ, यहाँ मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भूभाग बघेलखंड में पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाहाट, शहडोल जिले भी आते हैं, तो बघेलखंड में और उसके अलावा मंडवा, बालाहाट, शहडोल जिले में जहाँ चावल की खेती होती है वहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, याद रखना है। यह गोंडवाना सैल समूह से निर्मित है, ये मिट्टी जो है ये गोंडवाना सैल समूह से निर्मित है, याद रखना है, और मध्य प्रदेश तो गोंडवाना सैल समूह का भाग ही है ना। यहाँ मिट्टी मध्य प्रदेश के संपूर्ण मृदा का 37% है दोस्तों, तो समझ में आ गया, सबसे ज्यादा काली मिट्टी है 47% और दूसरे नंबर में लाल पीली मिट्टी है ना जो 37%। अब बात करेंगे हम जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं है ना, तो जलोढ़ मिट्टी तो यह मध्य भारत के पठार में पाई जाती है दोस्तों, डायरेक्ट याद रखना है कहां पाई जाती है, ये मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। सरसों, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तिलहन फसलें यहां पे उगाए जाते हैं, ये फसलों के लिए उपयुक्त रहती है, मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त रहती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी चार प्रकार की होती है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जलोढ़ मिट्टी जो है चार प्रकार की होती है दोस्तों। एक बोलते हैं तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एक भाग है उसका नाम है तराई मिट्टी,
तराई मिट्टी, तराई मिट्टी को कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी भी कहते हैं, तराई मिट्टी को कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी भी बोलते हैं। दूसरा होता है भंगार, भंगार मिट्टी, भंगार मिट्टी, भंगार मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। भंगार का सामान अपन बाहर कर देते हैं ना, है ना, तो भंगार यानी याद रखना पुरानी जलोढ़ मिट्टी, भंगार यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद है तीसरे नंबर की जलोढ़ मिट्टी यानी भांवर जलोढ़ मिट्टी, भांवर, भांवर जलोढ़ मिट्टी, भांवर जलोढ़ मिट्टी ये कंकड़ पत्थर वाली होती है, भांवर जलोढ़ मिट्टी। और चौथे नंबर की है दमोट मृदा, दमोट, दमोट या दोमट, सॉरी दोमट, दोमट मृदा, दोमट मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं। तो यहां से इतना ही याद रखने की बनती है जलोढ़ मिट्टी जो है चार प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी जो है चार प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों खादर, खादर, दूसरी का नाम क्या बताया मैंने तराई, है ना, दूसरे का नाम तराई, तीसरे का नाम क्या बताया भांगर, तीसरे का नाम भांगर, और चौथे का नाम था भांवर, ये चार। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। खादर मिट्टी जो होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, उर्वरक शक्ति ज्यादा होती है, जो खादर जलोढ़ मिट्टी है ये इसका बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, उर्वरक शक्ति ज्यादा होती है पहली वाली में। तराई वाली जो है इसमें कंकड़ पत्थर वाली होती है तराई वाली। तीसरे नंबर में भंगार, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं भंगार वाली को, है ना। चौथा है भांवर जो कंकड़ पत्थर से निर्मित होती है ना। समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो देखिए अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, क्वेश्चन आ सकता है कैसी मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी जो है जलोद मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से हुआ है दोस्तों, कछारों से हुआ है। कछारों का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कछारों का मतलब ये होता है, कछारों का मतलब ये होता है नदियों के द्वारा लाई गया, लाया गया वेस्ट मटेरियल, कचरा। कछारों का मतलब होता है नदियों के द्वारा लाई गई, जो उसके साथ जो भी चीज़ बह के आ गई, मान लो मिट्टी बह के आ गई और मिट्टी धीरे धीरे बह बह के आ गई और बह बह के आके कई करोड़ों सालों में जमा हो होके, जमा होके परत दर परत जम गई है, वही मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई और जम गई है। तो देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से हुआ है, कछारों से हुआ है। कछारों का मतलब मैंने बता दिया है ना, कछारों का मतलब मैंने बता दिया नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं, है ना। क्षेत्र, तो ये मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भिंड हो गया, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी जिले आते हैं मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, और मध्य भारत के पठार के अंतर्गत यारी मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है इसकी प्रकृति उदासीन होती है दोस्तों, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति जो होती है उदासीन होती है, उदासीन यानी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल, है ना। तो याद रखना है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। इसका अगर पीएच मान देखे तो 7.57 होता है, 7.57 इसका पीएच, है ना। तो ये उदासीन मृदा होती है, 7 से कम हुई या 7 से अधिक होती है, तो कभी थोड़ा से कुछ कुछ अलग लिखा हुआ है तो 7.57 मिलता है नेट में यानी विकिपीडिया में। जलोढ़ मिट्टी जो है ये गन्ने के लिए उपयुक्त, गेहूँ और कपास के लिए भी अच्छा होता है ना। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख एकड़ भूभाग पर फैली है, जो कुल मिट्टी का लगभग 3% है। तो याद रखना मात्र 3% जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, मात्र 3%। कभी क्वेश्चन पूछा सबसे कम कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। अगली बात करेंगे हम मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रित है, लाल पीली काली का, है ना। तो यह इसमें लाल पीली काली का सम्मिश्रण पाया जाता है, जो बुंदेलखंड में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, मिश्रित मिट्टी किस पठार में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना है मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड पठार में पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं, बुंदेलखंड में मोटे अनाज उगाए जाते हैं ना, है ना। मोटे अनाज उनको बोलते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब है मोटे अनाज। मिश्रित मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कार्बन पदार्थ की अल्पता पाई जाती है। याद रखना है जो मिश्रित मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस कार्बन पदार्थ की अल्पता पाई जाती है दोस्तों। अगली मिट्टी की बात करेंगे कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी ये बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, है ना, बहाकर लाई गई मिट्टी अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है।
इसका विस्तार भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। कछारी मिट्टी का यह गन्ना गेहूं कपास आदि फसल मुख्यतः होते हैं इसमें, आदि फसल मुख्यतः होते हैं कछारी मिट्टी में। अब देखिए गाइस, अब नेक्स्ट है कछारी मिट्टी। बाढ़ के दौरान नदियों अपने अपोहा क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो बाढ़ के दौरान जो मिट्टी बह के आती है ना, बह के आके जो बिछा के जो परत बन जाती है, बीच बीच के जो परत बन जाती है, बिछी हुई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है ना, याद रखना है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। जो कछारी मिट्टी है इसका विस्तार मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। और ये गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्य होती है इसमें। तो गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्य होती है ना। अपन ने जलोढ़ मिट्टी पढ़े हैं, जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत के पठारों में पाई जाती है, वैसे ही ये यहाँ पे कछारी मिट्टी जो है ये भी उधर ही साइड पाई जाती है। अब कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इनमें से। तो मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मृदा अपरदन इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक शब्द आया है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है दोस्तों? तो मृदा अपरदन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। तो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से गठित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसी प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग बहा कर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी भू आकृति को प्रभावित करती है, इससे कई भू आकृतियां भी बन जाती है। समझ में आ गया? मृदा अपरदन दो टाइप से होते हैं, कभी पूछा तो, एक जल के द्वारा और एक वायु के द्वारा होता है। तो समझ में आ गया, मृदा अपरदन की डेफिनेशन मैंने आपको बोल के बताया। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से गठित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसी प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग बहा कर ले जाना सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है दोस्तों। कभी पूछा, सर्वाधिक मृदा अपरदन का चंबल नदी के द्वारा होता है, यानी चंबल नदी में होता है। चंबल नदी में बहाकर सब मिट्टियां चल जाती है, मृदा जो है वहां की वर्षा के जल में बह के चल जाती है। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन को गली का निर्माण होता है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मृदा अपरदन के द्वारा कौन सी किसका निर्माण होता है? गली इरोजन, GULLY, गली इरोजन। गली इरोजन क्वेश्चन आ सकता है, गली इरोजन को हिंदी में अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो देखिए, तेज जल द्वारा धारा मिट्टी को गहरे कटाव को अवनालिका अपरदन कहते हैं। जो मिट्टी के वहाँ गहरे कटाव, बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं, उनको ही कहा जाता है अवनालिका अपरदन। तो क्वेश्चन आते रहता है, चंबल घाटी में मृदा अपरदन का मुख्य कारण अवनालिका अपरदन कहलाता है। समझ में आ गया? मृदा अपरदन जल के अलावा वायु द्वारा भी होता है। तो मृदा अपरदन जल के अलावा जल से बहा कर जाती है मिट्टियों के कण, लेकिन वायु से भी मिट्टियों के कण उड़ के बह के आगे चल जाते हैं, है ना। तो ये वायु जल के द्वारा भी होता है और वायु के द्वारा भी होता है। तो समझ में आ गया, मृदा अपरदन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या क्वेश्चन अभी तक के यहाँ से बने हैं। चंबल घाटी में मृदा अपरदन का मुख्य कारण अवनालिका अपरदन कहलाता है, याद रखना है, अवनालिका अपरदन कहलाता है। इंग्लिश में अगर आया तो गली का निर्माण या गली इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के सर्वोच्च उपाय है वृक्षारोपण। मृदा अपरदन को अगर रोकना है तो सर्वोच्च उपाय क्या है इसका? वृक्षारोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा। मृदा अपरदन जो पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ की जड़ें जो होती है वो मट्टी को पकड़ लेती है और मट्टी वहां की खिसकती नहीं, मृदा अपरदन नहीं होता। तो कभी क्वेश्चन आया, मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोच्च उपाय वृक्षारोपण है। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण, कभी पूछा, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है वृक्षों की कटाई। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षों की कटाई है। सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला पूछेगा कभी तो मुरैना है। सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला मुरैना है ना। मृदा अपरदन को एक नाम दिया गया, इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। मिट्टी का अपक्षरण रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन वाला जिला है मुरैना, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं।
मृदा अपरदन किस क्षेत्र में सर्वाधिक? चंबल नदी, चंबल घाटी वाले क्षेत्र में, है ना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर में बीहड़ की समस्या है। चंबल नदी में क्या है? बीहड़ की समस्या। बीहड़ बन गए हैं बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं मृदा अपरदन के कारण। तो बीहड़ की समस्या है, समझ में आ गया। इतने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दोस्तों मृदा अपरदन से, जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो समझ में आ गया। हमने मध्य प्रदेश की पांच प्रकार की मिट्टियों को पढ़े। पहले हमने काली मिट्टी देखे, है ना। काली मिट्टी मालवा के पठार में और निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तीन प्रकार की होती है, साधारण काली मिट्टी मालवा के पठार, गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र और मालवा का कुछ क्षेत्र है निमाड़ वाला क्षेत्र, और छिछली काली मिट्टी है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी बैतूल छिंदवाड़ा वाला। उसके बाद हमने देखे लाल पीली मिट्टी के बारे में, देख लो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के रूप में। जलोट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, कछारी मिट्टी और अन्य मिट्टी। तो इसको मैप के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि मैप के हिसाब से कैसे याद रखना है। दोस्तों क्या है, हमको थ्योरी पता होना, वहाँ से एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन बनेंगे। तो हाँ, अब जो क्वेश्चन पहले से बनते आए हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन ये थ्योरी वाला टॉपिक हमको पता होना। अब देखिए मैप में बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की मिट्टियों का मैप है। तो देख सकते हैं आप, ये है मालवा का पठार दोस्तों, ये मालवा का पठार। तो मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी तीन प्रकार की होती है, साधारण काली मिट्टी मालवा के पठार में, गहरी काली मिट्टी नर्मदा घाटी क्षेत्र, गहरी काली मिट्टी वो खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला एरिया है, और ये छिछली काली मिट्टी इधर नीचे साइड में बुरहानपुर तरफ, है ना। तो ये तीन प्रकार की होती है। तो मिट्टी समझ में आ गया, काली मिट्टी। देखो मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने पढ़े। मिश्रित मिट्टी ये बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। तो ये मैप के हिसाब से हमको जिले भी याद रखना है। इधर साइड जो जिले आएंगे वाले जिलों में मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी, इधर साइड जो जिले आएंगे। तो ऐसे कभी क्वेश्चन घुमा के बन सकते हैं, है ना, कि छतरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस प्रकार का। लाल पीली मिट्टी देखिए बघेलखंड के पठार तरफ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, है ना। और लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी भी होती है जो बालाघाट तरफ पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। तो एक मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी, है ना। लेटेराइट मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण चट्टानों द्वारा क्रियाओं के अपरदन से होता है। यह बालाघाट जिले में पाई जाती है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल में पाई जाती है। और इसको बलुई भाटा भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को बलुई भाटा भी कहते हैं। और ये कॉफ़ी भी होती है इसमें अच्छी, बैतूल तरफ, है ना, याली मिट्टी में कॉफ़ी की खेती भी होती है। तो ये मिट्टी का मैप हमको माइंड में पता रहना चाहिए, जिससे कभी क्वेश्चन जिले के रूप में दिए तो हमको बनना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा अलग टॉपिक कंप्लीट होता है। एक और चीज़ याद रखिए, कभी मिट्टी जो होती है, जो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है मिट्टी में। जैसे अगर मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी अगर क्षारीय है ज़्यादा, तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम डाला जाता है उसकी क्षारीयता को दूर भगाने के लिए, उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो देखो कैसे याद रखना है इसको। देखो अम्लीयता के लिए क्या है, चूने। तो आम चूर से याद रखना है, आम से हो गया अम्ली और चा से हो गया चूना। और ये क्षारी, तो क्षारी को दूर करने के लिए जिप्सम। तो आम चूर से चा हो जाएगा चूना, और क्षारी याद रखना है, क्षारी को दूर करने के लिए जिप्सम। तो इसको कैसे याद रखेंगे, छाज ऐसा याद रखना, छा से क्षारी और जा से जिप्सम, है ना। तो आमचूर और छाज ये दोनों याद रहेगा तो आपको बन जाएगा अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना और क्षारीयता को जिप्सम। तो इस तरीके से हमारे अलग टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां डिस्कस करे चैप्टर नंबर 9 पुणे करके बुक से। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, ऐसी करके हम ये पूरी बुक को डिस्कस कर लेंगे। और जितने भी लेक्चर हमने डाल चुके हैं, हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके उनको देख सकते हैं और आसानी से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे वन डे एग्जाम और एमपीपीएससी प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको एक बार आसानी जाना चाहिए, पढ़ने में समझ में आना चाहिए, उसके बाद रिवीजन करने में मजा आता है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।